अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के ऊपर खड़े हैं और इससे ठीक 22 किलोमीटर आगे जाने पर मिलेगा ग्वालपाड़ा शहर। हमारे सामने जो एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसके चोटी पर स्थित है मशहूर टुकड़ेश्वरी मंदिर। सामने जो एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसके चोटी पर स्थित है मशहूर टुकड़ेश्वरी मंदिर। एक मनमोहक प्राकृतिक परिवेश में स्थापित ये मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। पुरखों से हमारे परिवार का इस मंदिर से नाता है। मेरे दो दादाजी इस मंदिर के पुरोहित थे, मेरे ताऊजी भी पुरोहित थे, उनके बाद मेरे पिताजी ने और उनके बाद मेरे बड़े भाई ने भी इस दायित्व को संभाला। मैं अपने वंश का छठा पुरोहित हूँ जो इस मंदिर का देख रेख कर रहा हूँ। अभी मैं खड़ी हूँ टुकड़ेश्वरी मंदिर के ठीक नीचे और मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें तय करना होगा 730 सीढ़ियाँ। चलिए मैं अभी आप लोगों को मंदिर दर्शन करवाती हूँ। मंदिर के ऊपर आस्था पूर्ण रूप से है। मेरे ख्याल से मैं जो आज तक मांगा माँ का दरबार में मुझे मिल जाती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं माँ टुकड़ेश्वरी के बारे में और यहाँ हमारा साथी लोग का भी घर द्वार है कहीं, तो यहाँ माँ टुकड़ेश्वरी का लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ आकर लोगों को माने जो आस्था रहता है, जो ये रहता है माँ का चरण में जो विनती करते हैं उन लोगों का पूर्ण होता है।
पुरोहित को जोगाड़ पाटी दूं। मैं पुरोहित की सहायता करता हूं, माँ के सामने प्रसाद चढ़ाता हूं, सुबह बानरों को खाना देता हूं, दर्शनार्थी भी बानरों को प्रसाद फल आदि देते हैं। पहाड़ के ऊपर राजा बानर के खाने के लिए एक विशेष पात्र हैं। पूजा के समय राजा बानर अंदर आकर पूजा समाप्त होने का इंतजार करते हैं। এই মন্দিরটো রাজা কুমুদ নারায়ণৰ দিনৰ পৰা স্থাপিত। इस मंदिर का निर्माण महाराज कुमुद नारायण ने की थी। इस स्थान पर सती का बाया जांघ गिरा और यह स्थान शक्तिपीठ बन गए। ऊपर एक स्थान पर शिवजी का पद चिन्ह भी है। निचले मंदिर में पादुका की पूजा होती है और शिखर के मंदिर में माँ की जांघ की पूजा होती है। इस मंदिर के आसपास जो बानर का झुंड है उनका एक राजा होता है। पूजा के अंत में बानरों को प्रसाद दिए जाते हैं। राजा बानर के प्रसाद ग्रहण के बाद ही झुंड के बाकी सदस्य खाते हैं। मंदिर के देखभाल के लिए दो कर्मी हैं, वे दर्शनार्थियों को मंदिर का दर्शन कराते हैं। कभी कभी दुकानदार भी उनकी सहायता करते हैं। तलत आनी तार पिछत एरी दिए तेलके करलै गुसि जाय श्री श्री टुक्रेश्वरी देवालय। सती का शक्तिपीठ श्री श्री टुक्रेश्वरी देवालय अवश्य आए। यह सती का एक जागृत शक्तिपीठ है। बानर के लिए भी प्रसाद लाए और मंदिर में माँ का दर्शन भी करें।